तो आइस कलर चेंज करने के लिए पहले हम इसके आइस को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा एरियाज हैं उनको ऑल्टर के साथ रिमूव कर देते हैं। ऑल्टर के साथ इसको भी रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ सिलेक्ट हो गया यहां से। अच्छा ये देखिए बिल्कुल सेट है। आप क्या करेंगे, यहां पर आपके पास जो अप्लाई होगा वो यहां से जाएंगे और ह्यूमन सैचुरेशंस को ऑन करेंगे। ह्यूमन सैचुरेशंस ऑन करने के बाद वो एरियाज जो हैं उसमें नहीं आए मास्क के अंदर, तो आप इसको यहां से क्लिक करके जैसे कलर्स इफेक्ट को चेंज करना शुरू करेंगे, तो यहां पर इसकी आइज का कलर, जो लेंस का कलर है, वो ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके अंदर कितनी लाइट डालनी है, कितना डार्क करना है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, और फिर कलर डेंसिटी उसकी कितनी किस तरह से रखनी है वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इसको नॉर्मल करके देखें पिक्चर, आप इसको ऑफ करके देखें, पहले इस तरह का था और अब ये इस तरह का इम्पैक्ट बन गया। सिमिलरली अगर इसकी लिपस्टिक का कलर अगर हमें चेंज करना हो तो किस तरह से करेंगे, लिपस्टिक का कलर चेंज करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यही कुछ तरह का एक रूल इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने इसकी आइज का कलर सही तरह कर लिया है चेंज, तो अब क्या करेंगे, इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, दोबारा से हम इस पिक्चर पे जाके इसके लिप्स को प्रॉपरली सिलेक्ट करेंगे पहले, तो यहां से लेंगे और यहां पे देखिए इस तरह से अप्लाई करें। अब ये देखिए अप्लाई हो गया पूरा इसका माउथ, ठीक है, माउथ मतलब जो इसके लिप्स भी आ गए और इसके टीथ भी इस पे आ गए। अब हमें टीथ को करना है डीसेलेक्ट और इस एरिया को भी थोड़ा सा इसमें से निकाल देना है। तो टीथ को कैसे डीसेलेक्ट किया जा सकता है, इसमें थोड़ा सा आपको हेल्प लेनी पड़ेगी एक दूसरे टूल की जो इसमें प्रॉपरली काम करेगा, और वो टूल है हमारे पास ये वाला टूल जिसका नाम है लैसो टूल। लैसो टूल भी सिलेक्शन टूल है, पर ये जरा हमें अच्छे तरीके से काम करने में हेल्प करेगा इस काम को। देखिए अब अगर मैं ऐसे चलाऊंगा तो ये सिलेक्ट करना शुरू करेगा, तो मैं इसको ऑल्टर का बटन दबा के चलाऊंगा तो जो हिस्सा सिलेक्ट है वो उसको डीसेलेक्ट करना शुरू करेगा। ऑल्टर, अच्छा चलिए एक काम हम ये भी कर सकते हैं, इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको अंडू कर लेते हैं, हम पूरे ही माउथ सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरे ही माउथ सिलेक्ट कर लेते हैं और जिसमें इसके लिप्स भी आ गए और टीथ भी आ गए, और इसी के ऊपर ले जाके हम अप्लाई करते हैं ह्यूमन सैचुरेशंस, और यहां से इसको हम लेट सपोज ये सेट है कितना डार्क कितना लाइट, और यहां से इसमें कितनी डार्कनेस रखनी है कितनी लाइट रखनी है। ओके, ये हमने इसमें सेट कर लिया। तो आपने देखिए यहां पर भी इसका एक मास्क बनाए, तो यहां से लेंगे ब्रश टूल और डार्क फॉर हाइट और वाइट फॉर रिवील। तो पहले व्हाइट कलर लेते हैं, इसके कंटूर्स बना लेते हैं जो इसके अपर लिप्स हैं, इसके सेट कर लेते हैं। थोड़ा जूम करके काम करेंगे तो काम सही हो जाएगा। ओके, तो ये हमने इसका ये पूरा सेगमेंट इसका कंप्लीट कर दिया। ओके, अब जहां पे ज्यादा हो गया है वहां से उसको रिमूव कैसे करेंगे, इसी पे क्लिक करके मास्क पे इसका ब्लैक कलर एक्टिवेट करेंगे, और देखिए ये सामने यहां से इसका एक्स्ट्रा रिमूव कर दिया। ठीक है, जहां पे वो एक्स्ट्रा बाहर निकल गया था, व्हाइट कलर लेके दोबारा से जहां पे नहीं लगा है वहां पे हल्का हल्का हम उसको इस तरह से लगा देते हैं। इसी तरीके से जैसे हम रिमूव कर रहे हैं तो हम व्हाइट कलर लेके ब्लैक फॉर हाइट ब्लैक कलर लेके इसके टीथ पर अप्लाई करेंगे, तो टीथ के ऊपर ये जो कंट्रास्ट आ गया है वो इस पे से रिमूव होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए अब हमने इसके ऊपर जो है इस
इसके लिप्स का और आइज का कलर दोनों ही चेंज कर दिया, ये लिप्स ये इसकी आइज। तो इस तरीके से हम इसके लिप्स और आइज दोनों कलर्स को चेंज कर सकते हैं।